हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अजमेर शरीफ के ब्लॉग के बाद सीधा मैंने कंटिन्यू ये वाला ब्लॉग किया और हम गए थे सुबह सुबह नाश्ता करने। तो हो गया हमारा नाश्ता, हमारे जैसा लाइट वाला जो हमें अभी कर सकते हैं वो हो गया है। और यार अभी हम यहाँ पे होटल के मज़े ले रहे हैं। क्या खूबसूरत होटल है यार, ये प्रताप महल है अजमेर में। वाइब इतनी अच्छी है, खूबसूरत इतना है, तो हमने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। सबसे बड़ी चीज़, हम लोग जब पहुँचे थे तो अंधेरा था, सुबह 4 बजे हम पहुँचे हैं। जब मैं जोर से बोलती हूँ ना तो मुझे आके बोलती है इतना चिल्ला क्यों रही हो। एनीवेज, हम सुबह 4 बजे पहुँचे थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी होता है ना, कुछ होटल्स में डर लगता है, स्पेशली ऐसे हवेली टाइप के होटल, तो यहाँ बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अभी हम करेंगे कुछ फोटो सेशन, ठीक है, चलो। फोटो सेशन हमारा हो गया। अभी मैडम को यहाँ पे इस लोकेशन पे जो है एक स्लो मोशन उनको ट्वर्ल करना है ना, हमेशा उनका जो फेवरेट है वो कर रहे हैं और अंकित शूट कर रहा है, मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। 1 2 3 जो दे सकता है क्या तुम्हें ब्रेक है, ये चल गया, जा माफ करो भैया। चलो ठीक है, डीप नहीं है, ठंडे पानी में कूद के दिखाओ। भाई ठंडे ठंडे पानी में कूदने का हिसाब किताब नहीं है सर्दियों में, ठंडे पानी में नहीं कूदना। गाना कहने के लिए गाने थे इतना ही, बस इतना ही, डायरेक्ट पार्किंग में ही ले गए तुम तो। वो एक अलग चीज है और पानी में कूदना एक अलग चीज है। देखो भाई, सीधी सी बात है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, ठंडे में पूल में कूदना अपनी जगह है। इतने बड़े बड़े फिल्मी गाने काहे गाते हो, है? देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे आराम कर रहे हैं, हमने शूट कर लिया पहले ही। तो अभी बज रहा है 3 और अभी कुछ चाय मंगाया है, ये लोग कुछ खाएंगे और फिर हम निकलेंगे विलायत भाई के यहाँ, क्योंकि आज हमें विलायत भाई के यहाँ निकलना है, उनके घर जाना है बेसिकली, तो वहाँ निकलेंगे। और तो बस अभी नहा के हम लोग निकलते हैं वहाँ। क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ, कभी भी मुझे खुद समझ नहीं आ क्या बोलता हूँ, है कि नहीं, होता है कभी कभी, चलता है कभी कभी, कुछ भी कभी कभी कुछ भी बोल देना चाहिए, है कि नहीं, आप लोग समझ जाते हैं। तो हम हो गए रेडी, अभी कहाँ जा रहे हैं? विलायत भाई के घर। अभी हम जा रहे हैं विलायत भाई के यहाँ, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम वहाँ पे उनसे मिलने जाते हैं, और अभी तो हम 3 साल के बाद आ रहे हैं, तो कुछ देर के लिए वहाँ पे चलते हैं। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ट्रिप अच्छी है। मुझे हमेशा अजमेर शरीफ बाबा के पास आके बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। और कई सालों, मतलब बीच में आई थिंक 3 साल का गैप हो गया, 3 साल का गैप, तो ये बहुत ज्यादा गैप है, इतना हमारा कभी हुआ नहीं। तो होता है ना कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं आ पाते, तो एक बहुत बेचैनी सी, उलझन सी कहीं ना कहीं हो रही थी। तो अब आज, और आज बहुत अच्छे से ज़ियारत हुई, करीबन 1.25 घंटा हम वहाँ थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। अभी चलते हैं। विलायत भाई को हमने इतना परेशान कर दिया है ना कि आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि वो बस हमारे पीछे ही घूम रहे हैं। अभी जा रहे हैं इनके घर, हमने कहा था कि आप रईस भाई को भेज देना, आप मत आना, आप घर पर रहना, आराम करना, लेकिन देखो खुद ही आए हैं वो। क्यों भाई, मैंने मना बोला था ना कि आप, हम आ तो रहे थे घर। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप मेहमान नहीं हो, आप भाई हो, और गरीब नवाज की बारगाह में जब मेहमान आया करते थे तो हमारे बुजुर्ग उनको लाने और छोड़ने भी जाया करते थे। तो अब खारे साहब के मेहमान हाजिर हैं खारे साहब की बारगाह में, तो हम ज़रूर, ये दावत भी है आपकी, आपने 4 बजे को 6 बजे कर दिया, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो भी बिजनेस शेड्यूल है जी, वो भी ज़रूरी है।
अभी हम आ गए हैं विलायत भाई घर। विलायत भाई साहब मिल चुके हैं, ये हैं भाभी और ये हैं उनके शहजादे नायम हुसैन। ये विलायत भाई बोल रहे हैं ये हम ब्लॉग्स विलायत भी तो ऑब्वियसली बातें ज्यादा नहीं देख पाते पर देखते हैं क्योंकि फॉलो करते हैं बट काफी बिजी रहते हैं। भाभी और दायम बोल रहे बहुत देखते हैं, जब भी कोई ब्लॉग आता है दायम हमें दिखाता है कि देखो भाई का ब्लॉग आया भाभी का ब्लॉग आया है, तो हम यहाँ पे भी आए हैं और अभी हम चाय पियेंगे। लेकिन उससे पहले विलायत भाई फिरोज भाई की इनकी थोड़ी सी वो अमिताभ की जिंदगी देखने जाते हैं तो फिरोज भाई वो कर रहे हैं करेक्ट बिल्कुल पक्का दो तीन चीजें करना चाहता हूँ उनकी। हाँ जी कौन से देखना चाहते हैं साहब की जैसे भी लड़की जा रही है एक्सक्यूज मी ये रुमाल जो है आपका इधर गिर गया था तो मैंने सोचा ये रुमाल मैं आपको दे दूँ। ये लीजिए कहाँ रहती हैं आप? अच्छा वहाँ तो मैं भी रहता हूँ। कौन सी फ्लोर पर रहती हैं? खूबसूरत है आप जितने भी ताजे तीजा वो माफ कीजिए कम जनाब तनिक जरा आपकी खिड़की खोलेंगे भाई साहब। हाँ ये दाढ़ी ज़रा लंबी है बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ अल्लाह रखा है अपने साथ बाजू पे ऐसा तो 86 का बिल्ला बीड़ी पीता है 30 नंबर की काम करते हैं कुली को नाम है जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना सर नहीं चुकाया जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना हाथ नहीं फैलाया वो आज तुम्हारे सामने अपना हाथ फैलाए खड़ा है। जिस वक्त मैं यहां पर आया वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां खिस गई वो औरत जो जिंदगी भर जलती लेकिन तुम्हारे मंदिर के दीप जलाती रही वो औरत आज जिंदगी और मौत के दरवाजे पर खड़ी हो तू बड़ा तमाशा दे कौन सा कसूर कौन सा पाप कौन सा गुनाह की सजा दे रहा उसको? क्या उसको गुनाह यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका गुनाह यह है कि मैं उसका बेटा हूं? हम घर से बेघर हो गए मेरी मां सुहागन होते हुए विधवा की जिंदगी गुजारती लेकिन मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांगता हूं मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत मैं तुम्हारे आके हाथ छोड़ता हूं हाथ छोड़ता हूं। क्या बात है सुपर बचपन में हम भी अमिताभ बच्चन साहब को बहुत फॉलो करते थे जब वो जैसे पैंट टी शर्ट पहनते थे हाँ ये हीरो अच्छे हैं जो धोती वोती में आते थे ये क्या हो गया एकदम से गरीब कैसे हो गए अमिताभ बच्चन साहब तो ऐसा फीलिंग आता था नहीं हमारा हीरो नहीं है ये लेकिन बाकी वो किंग है। अंदर जाकर निकाली आवाज आइए चेयर ले लो बेटा सब आपके लिए प्रश्न पड़ोसी जानते हैं इसका कॉन्फिडेंस देखो माशाल्लाह। और भाई जो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी सजेशन है जो फील्ड इसने चुनी है ना उससे डाइवर्ट मत हो कोडिंग अरे बिल्कुल कोडिंग का ही जमाना है पूरा आज भी और आगे भी जरूर जरूर वेबसाइट डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग उसको आज भी चार लैंग्वेजेस आती हैं अभी और उसने सीखनी है। कौन से लैंग्वेज आती था पाइथन जावास्क्रिप्ट जावा एचटीएमएल सीएसएस बेटा इंजीनियरिंग करके हम नहीं सीख पाएंगे। तो अभी हो गया काफी वक्त हो गया हम कितने बजे आए थे 6:30 के आसपास 7:45 के आसपास 9 बजने वाला है ऑलमोस्ट कैसे बीता पता ही नहीं चला। बहुत सारी चाय पी ली हम लोगों ने और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए बनाए थे सबके लिए अम्मी के लिए सबा के लिए भाभी बोल रहा हूँ मैं अम्मी के लिए
और ये है शहजादे, बड़े होशियार है माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक इनको भी कामयाब करे ऐसे ही आगे बढ़े और सेहतमंद रहे। चले भाई भाभी तो वहां चली गई पीछे भाभी तो वहां गई। चलिए अभी नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे इंशाल्लाह फिर आराम से वो निहारी वगैरह खा के आराम से हम वो दावत पक्की है, फिर दावत पक्की है पक्का। तो भाभी बहुत परेशान थी क्योंकि पर एक बात माननी पड़ेगी, भाभी ने अपना वादा रखा और वो भाई ने रखवाया और भाभी ने रखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारी डाइट खराब करे। तो इन रिटर्न हमने ये प्रॉमिस किया है कि अगली बार जब आएंगे तो बकायदा इनके हाथ का मटन चिकन एकदम पक्का वाला प्रॉमिस की बहुत अच्छा बनाती है। थैंक यू। डॉक्टर होम साइंस ले रखी थी भाभी है। अच्छा नहीं तो अभी चलते हैं और फिर मिलते हैं इसी घर में इंशाल्लाह आगे कामयाबी के साथ, तरक्की के साथ हम सब लोग वापस मिलेंगे इंशाल्लाह। सबकी सेहत रहे, बस अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। चलिए अल्लाह हाफिज। एक काम करिए ना, आप मुंबई कभी आइए और वहाँ पे आप बना के खिलाइए, एक ही बात है वो बढ़िया रहेगा। अरे कोई भी काम हो या कुछ भी आपको लगे तो फोन जरूर है। और उसके बाद फिर हमने कुछ हल्का फुल्का जो है वो डिनर किया और उसके बाद जब वहाँ से जा रहे थे तो हमें वहाँ का होटल का स्टाफ जो है वो मिल गया, जो कि हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, उनमें से कई लोग पूछ रहे थे जैसा कैसे है, हम कैसे हैं, सब घर वालों के बारे में पूछ रहे थे। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्ज़ी आए वो करिए, लेकिन सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ वक्त बताइए। जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।